हे हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूनिक सा थ्री टाइप का DIY। जो पहला है उसके लिए मैंने यहाँ पे जो कुल्फ़ी के वो जो मटके आते हैं मटका कुल्फ़ी वो लिए हैं, और कार्डबोर्ड की मदद से मैं इस तरह से उसको स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में बना लूँगी। और कुछ मुझे डेकोर करना था, तो वो जो छोटे बच्चों का आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए आता है तो उसी का मैंने इस तरह से इस्तेमाल करके इसको डेकोर कर लूँगी एज अ ट्रे की तरह। और आप एंड में आप देख सकते हो इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा निकल के आया है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे को कमेंट में बताना। और अभी यहाँ मैं एक ले रही हूँ सो उसको मैं ऐसे रोल करके स्क्वायर शेप में सर्कल शेप में मैं उसको इस तरह से काट लूँगी। और वो चिपके नहीं इसलिए मैं अपना जो पाउडर होता है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ढक्कन बेसिकली बना दिया है उसका क्ले की हेल्प से। आप चाहे तो एमसील का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद पे इसके तो रंग ही आ जाएगा। सो अलग अलग तरह के मैं इसको रंग दे रही हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे सॉल्ट कुछ हमें जो भी मसाले लगते हैं इस तरह से मैंने इसको डेकोर कर दिया है। और ये मेरा पहला DIY तैयार हो चुका है। सो अभी नेक्स्ट के लिए मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड लिया है। किसी भी कार्डबोर्ड को इस तरह से कट कर लीजिए और चाकू की हेल्प से, या फिर आपके पास कटर होगा तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। सो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। आपको इसी तरह का कार्डबोर्ड लगेगा। थिकनेस आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से लिया है, और उसको ऐसे बीच में से मैंने स्क्वायर में कट कर दिया है यहाँ पे। और अभी हम यानी कि खिड़की की तरह हमें इसे बनाना है। कार्डबोर्ड थोड़ा अच्छी क्वालिटी का ही लेना ताकि फिर वो ख़राब ना हो। और अभी मैं इसमें कलर कर दे रही हूँ वाइट कलर, और इसके बाद आप जो चाहे आपका मनपसंद कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सो मैंने यहाँ पे जो आम का कलर होता है, क्योंकि अभी आम का सीज़न चल रहा है, तो मैंने आम का कलर एक कर दिया और एक येलो वाला कर दिया। आप ऐसे दो तीन आप सेट बना सकते हो इसका अच्छे से। सो यहाँ पर जो ग्रास होती है, सो मैंने यहाँ पर जो डबल साइडेड टेप होता है उस पर मैंने ग्रास ले ली है ताकि ज़्यादा ग्रास ना लगे। यहाँ पर आपको कम पैसों में आपका काम हो जाएगा। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा दिया, और देख सकते हैं आपका इसका आउटपुट। सो अभी अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी नेक्स्ट है आपको लास्ट वाला ये DIY। इसके लिए मेरे पास ये कब से पड़ा हुआ था, मतलब मैंने डीमार्ट से लिया था है और बहुत यूज़ कर चुकी हूँ। अभी इसमें कुछ रखने का इतना मन नहीं हो रहा, तो इसके लिए जो ऊपर की उसकी लेस से मैं उसको निकाल ले रही हूँ। कैंची की मदद से आप कट कर सकते हो, ईजिली कट हो जाता है ये। और अगर आपके पास कोई लेस है तो आप थीक वाली वो भी यूज़ कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे ये लिया है। तो इसका एक मुझे लेस अच्छी सी थीक ऐसी लेस मुझे मिल गई। और जो केक का बेस मिलता है हमें नीचे, जो केक के नीचे जो MDF बोर्ड मिलता है वो मैंने संभाल के रखा था, और उसके ऊपर मैंने इस तरह से लगा दिया, इसलिए मैंने इसका कट किया। और अगर आपके पास लेस है तो आपको उसको थीक करनी पड़ेगी उस पर फेविकॉल। इसके लिए मैंने हॉट ग्लू का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि तभी ये वहाँ पे टिकी रहेगी। और अभी मेरे पास दूसरा कलर था, तो सेम प्रोसेस से मैंने यहाँ पे उसको लगा दिया है। तो अभी आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से स्टेबल हो चुकी है, और इसका राउंड शेप था इसीलिए ये वहाँ पे चिपक के भी रह गई। और हॉट ग्लू तो सबको पकड़ ही लेता है, जल्दी से काम हो जाता है, जल्दी से सूख जाता है। तो अभी मैंने इस पर स्प्रे पेंट कर दिया है। आपको जो कलर अच्छा लगे आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिल्वर कलर का गोल्ड कलर का स्प्रे पेंट कर दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हो। और अब ये देखो ये कितना अच्छा ट्रे बन चुका है। 10 रुपये भी नहीं लगे होंगे। पहले भी मैंने वो कंटेनर यूज़ किया था और फिर से रीयूज़ हो गया। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।